हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंग अपने बर्थडे के बारे में वांग जी को बताना भूल जाता है। इस वजह से वांग जी उससे नाराज़ हो गया था। वांग जी वेंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ कार में लेकर बैठ जाता है। माहौल बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया था। वेंग को तभी सियान की कही हुई बात याद आ जाती है। वो तुरंत वांग जी को अपने गले से लगा लेता है और कहता है, सॉरी वांग जी, वो मैं ना। पर वांग जी उसे कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। वेंग कहता है, वांग जी प्लीज़ सॉरी ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी वांग जी उसे कार की सीट पर नीचे की ओर पुश कर देता है और उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। वेंग ने भी वांग जी को अपनी बाहों में भर लिया था। उन दोनों के बीच में कुछ देर तक किस होने के बाद वांग जी एकदम से उससे अलग होता है और वेंग की आंखों में देखते हुए कहता है, वेंग तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आज तुम्हारा बर्थडे है। तो वेंग कहता है, वांग जी वो मैं सॉरी, पर मैं क्या करूं, मुझे तो अपना बर्थडे याद ही नहीं था। वो तो शिजे और जियांग जा ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। तभी वेंग ये कहते कहते चनक से रुक जाता है क्योंकि वांग जी का चेहरा और ज़्यादा उदास हो गया था। वेंग मन में कहता है, वेंग ये तुमने क्या कह दिया। तभी वांग जी की आँखें नम हो जाती हैं। वो वेंग की आँखों में देखता हुआ कहता है, वेंग मैं चाहता था कि तुम अपनी लाइफ का हर इम्पॉर्टेंट मोमेंट अब से सबसे पहले मेरे साथ शेयर करो, लेकिन मैं बहुत अनलकी हूँ। तभी वेंग वांग जी का चेहरा अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है, वांग जी प्लीज़ तुम खुद को अनलकी मत बोलो ना, मेरे लिए तुम बहुत इम्पॉर्टेंट हो। वो तो मैं खुद ये बात भूल गया था कि आज मेरा बर्थडे है, सॉरी ना, प्लीज़ वांग जी प्लीज़। कुछ मिनट्स के बाद वांग जी कहता है, ठीक है वेंग, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, पर आज मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए करना चाहूँगा वो तुम मुझे मना नहीं करोगे और ना ही तुम मुझे उसके लिए रोकोगे। वेंग कहता है, वांग जी ये क्या बात हुई। तो वांग जी अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता है। वेंग कहता है, अच्छा बाबा ठीक है, जो तुम्हारा मन हो वो करना, पर वो प्रॉमिस याद है ना जो तुमने मुझसे किया था। वांग जी कहता है, वेंग क्या तुम्हारी ऐसी कोई विश है जो कि तुम करना चाहते थे पर कर नहीं पाए। वेंग कहता है, वांग जी मेरी ऐसी कोई विश नहीं है। वांग जी कहता है, वेंग सच में तुम्हारी कोई विश नहीं है। तो वेंग का चेहरा थोड़ा सा उदास हो जाता है। वो एक सैड स्माइल के साथ कहता है, वांग जी मैं बचपन से स्विमर बनना चाहता था, पर एक दिन स्विमिंग पूल में तैरते वक्त मेरे पैर में मोच आ गई थी, उस वक्त मैं डूबने ही वाला था। अगर मेरे कोच ने आकर मुझे ना बचा लिया होता तो मैं मर ही गया था। अंकल जियांग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, इसलिए फिर उन्होंने मुझे कभी स्विमिंग करने नहीं दिया। तभी वांग जी उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, वेंग अब मैं तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। वेंग धीरे से स्माइल करता है और कहता है, आई लव यू वांग जी। वांग जी कार को स्टार्ट करता है। उसने अपने हाथ से वेंग का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से उसने कार के स्टीयरिंग को पकड़ रखा था। आज मौसम बहुत ही सुहावना था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें कार के शीशे पर गिरने लगती हैं। वेंग कार के शीशे को ओपन करता है और अपना हाथ थोड़ा सा कार के बाहर निकालता है ताकि वो उन बारिश की बूंदों को महसूस कर सके। तभी वांग जी कहता है, वेंग अपना हाथ अंदर कर लो। वेंग ही सुनते ही अपना हाथ अंदर कर लेता है और कहता है, सॉरी वांग जी वो मैं। तो वांग जी कहता है, वेंग प्लीज़ सॉरी मत बोलो ना। कुछ घंटे ट्रैवल करने के बाद वांग जी एक 5-स्टार होटल के सामने अपनी कार को रोकता है। वेंग कहता है, वांग जी ये हम कहाँ आ गए हैं। तो वांग जी कहता है, कुछ नहीं तुम बस चलो मेरे साथ। वेंग कहता है, वांग जी पर मेरे कपड़े तो। तो वांग जी बोलता है, वेंग तुम्हारे कपड़े बिल्कुल ठीक हैं और तुम मेरे साथ चल रहे हो ना। तो वेंग कहता है, ठीक है। वांग जी ने वेंग का हाथ टाइटली अपने हाथ में पकड़ रखा था। वहाँ पर जितने भी होटल एम्प्लॉयज़ थे वो सब वांग जी को देखकर बो कर रहे थे। वेंग धीरे से कहता है, वांग जी ये सब तुम्हें बो क्यों कर रहे हैं। तो वांग जी धीरे से कहता है, वेंग ये मेरा यानी कि लान फैमिली का होटल है। वेंग ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है, वांग जी क्या ये तुम्हारा होटल है। तो वांग जी कहता है, हाँ। वेंग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी वांग जी एक एम्प्लॉय से कहता है कि खाना रूम नंबर 309 में पहुंचा देना। ये कहकर वो वेंग का हाथ पकड़कर जाने लगता है। वो होटल बहुत ही बड़ा था। वेंग कहता है, वांग जी अगर किसी ने तुम्हारे घर में बता दिया तो। वांग जी कहता है, वेंग टेंशन मत लो,
ये मेरा खुद का होटल है, यहाँ कौन आएगा या कौन नहीं आएगा ये मैं ही डिसाइड करता हूँ। फाइनली वो दोनों रूम नंबर 309 में पहुँच जाते हैं। वांग जी मास्टर की से उस रूम को ओपन करता है। वेंग को तो लगा था कि वो एक नॉर्मल सा 5-स्टार होटल के रूम जैसा होगा, पर वो रूम तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और वहाँ पर एक बालकनी भी थी। उस बालकनी में एक स्विमिंग पूल था। वेंग कहता है, क्या यहाँ तो स्विमिंग पूल भी है? वो होटल कॉलेज से 4-5 घंटे की दूरी पर था, इसलिए वांग जी और वेंग को वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो चुकी थी। शाम का 7 बज रहा था। वेंग और वांग जी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तभी वांग जी वेंग से कहता है कि वेंग, ये स्विमिंग पूल है, इसमें तुम स्विमिंग कर सकते हो। तो वेंग कहता है, लेकिन वांग जी ये तो तुम्हारा है ना, मैं इसमें कैसे? ये सुनकर वांग जी वेंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है, वेंग जो मेरा है वो अब सब तुम्हारा भी है। वेंग कहता है, लेकिन वांग जी। तभी वांग जी उसे अपनी गोद में उठाता है और वो वेंग को स्विमिंग पूल में डाल देता है। वेंग ये देखकर चौंक जाता है, पर आज तो उसने प्रॉमिस किया था ना कि वह वांग जी को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा। वो कई सालों के बाद आज स्विमिंग पूल में उतरा था, इसलिए उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। पर कुछ देर बाद वेंग वो सब इंजॉय करने लगता है। वांग जी कुछ दूर पर बैठा हुआ वेंग को बहुत प्यार से देखे जा रहा था। तभी डोर पर कोई नॉक करता है। वेंग तो अपना एंजॉय कर रहा था, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता। डोर पर वेटर खाना और केक लेकर खड़ा हुआ था। वांग जी वो सारी चीज़ें लेने के बाद डोर क्लोज कर देता है। उसने वो केक रूम में जो फ्रिज रखा हुआ था उसमें रख दिया था। तभी वेंग कहता है, वांग जी तुम भी आओ ना मेरे साथ। पर वांग जी उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर वेंग कहता है, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर मेरे करीब तो आकर बैठो ना। वो पूरी तरह से पानी से भीगा हुआ था और उसकी शर्ट के अंदर की स्किन क्लियरली दिख रही थी। वांग जी का फेस रेड हो गया था, पर वो उस स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ जाता है। वेंग जब वांग जी को अपने करीब बैठा हुआ देखता है तो उससे रहा नहीं जाता, और तभी उसे एक शरारत से सोचती है। वो अचानक से वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे पानी में खींच लेता है। वांग जी के भी सारे कपड़े भीग जाते हैं। ये देखकर वेंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, लान वांग जी तुम भी ना कितने भोले हो, पर तुम्हें पता है तुम कितने क्यूट लग रहे हो। वांग जी गीले बालों में और भीगी हुई शर्ट में बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। इधर वेंग हंसता ही जा रहा था, तभी वांग जी खुद को रोक नहीं पाता और वेंग को अपनी बाहों में भरकर उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। वेंग ने वांग जी को उसकी नेक के अराउंड पकड़ रखा था। तभी वांग जी वेंग के माउथ में अपनी टंग को इंसर्ट करने लगता है। पानी में होने के बावजूद भी दोनों की बॉडी हीटअप होने लगी थी। वांग जी वेंग के लिप्स को सक करता जा रहा था, तभी वो अपना हैंड वेंग के शर्ट के अंदर इंसर्ट करने लगता है। उन दोनों का वो किस बहुत ही ज़्यादा हॉट और सेक्सी था। वांग जी किस करते करते वेंग की नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है। वो धीरे से वेंग के कान के पास जाकर हस्की वॉइस में बोलता है, वेंग तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो, और इस भीगी हुई शर्ट में तो मैं क्या ही बोलूं। वांग जी के ये शब्द वेंग की बॉडी को फ्लिंच कर दे रहे थे। वेंग वांग जी के चेहरे को अपने हाथ से टच करता है और कहता है, आई लव यू सो मच वांग जी। तभी अचानक से उसकी बॉडी से फेरोमोन्स रिलीज होने लगते हैं। शायद वांग जी और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, इस वजह से ये हुआ था, और पानी में भीगे हुए भी थे। वेंग का फेस रेड हो जाता है। वो अपनी नज़रें वांग जी से हटाकर दूसरी ओर देखने लगता है और कहता है, वांग जी वो मैं। तभी वांग जी अपना चेहरा वेंग के कंधे के पास छुपा लेता है और कहता है, वेंग मैं तुमसे अब एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता। मैं ही जानता हूँ कि ये 2 दिन मैंने कैसे बिताए थे। मैं नहीं चाहता कि मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर रहूँ। उसके कहे एक एक शब्द वेंग की हार्ट बीट को बढ़ा दे रहे थे। वांग जी वेंग की आंखों में देखता है और फिर वो उसके लिप्स पर किस करता है। वेंग के फेरोमोन्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। वो वांग जी के साथ लव मेकिंग करना चाहता था, पर वो ये बात कैसे बोले। तभी वांग जी वेंग का हाथ पकड़ता है और स्विमिंग पूल से उसे बाहर ले जाने लगता है। वेंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। वांग जी कहता है, वेंग
तुम बाथरूम में जाकर शावर ले लो। तभी वेंक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, वांग जी वो मैं तुम्हारे साथ ही शावर लेना चाहता हूँ। ये सुनते ही वांगची के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, वो अपने ख्याल में डूबा हुआ था। तभी वेंग उसका हाथ पकड़कर बाथरूम में ले जाता है, जहाँ एक बाथ टब भी था। उन दोनों की बॉडी जल रही थी, बुखार की वजह से नहीं, हीट की वजह से। वेंग वांगची के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है और अपने हाथ से उसकी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। वांग जी भी अपने हाथ से वेंग की शर्ट के बटन्स को ओपन कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों कम्प्लीटली नेकेड हो जाते हैं। वांग जी और वेंग बाथ टब में बैठे हुए थे। बाथरूम में एक सेंटेड कैंडल जल रही थी, जो कि माहौल को और ज़्यादा रोमांटिक और सेक्सी बना रही थी। वांग जी ने वेंग का चेहरा अपनी तरफ किया हुआ था और उसने उसे अपनी गोद में बैठा रखा था। वो दोनों एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। आज वेंग अपने हाथ से वांग जी और अपने लोअर बॉडी पार्ट को एक दूसरे से रब कर रहा था। तभी वो थोड़ा सा नीचे झुकता है और वांग जी के लिप्स से नीचे आकर उसकी नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है। वांग जी ने अपनी मुट्ठी को कसकर बांध लिया था। वेंग का वो टच वांग जी की जलती हुई बॉडी पर जैसे लग रहा था कि किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। नेक को लिक करने के बाद, किस करने के बाद, वेंग वांग जी के चेस्ट को अपनी टंग से लिक करता है और उस पर बहुत सारे किसेस भी करता है। वांग जी की सांसें हैवी हो गई थी। वेंग अभी भी अपने और वांग जी के लोअर बॉडी पार्ट को रब करता जा रहा था। तभी वांग जी कहता है, वेंग मुझे तुम्हें किस करना है। ये सुनकर वेंग हल्का सा स्माइल करता है और फिर वो वांग जी के लिप्स पर सेडक्टिवली किस करने लगता है। वो अपने हाथ से वांग जी के चेस्ट को रब कर रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ अपने स्वीट स्वीट मोमेंट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वेंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और बाथ टब से बाहर ले जाता है। बर्थडे आज वेंग का था, पर ऐसा लग रहा था जैसे वेंग वांग जी को प्लेजर फील करवाना चाह रहा हो, पर वांग जी अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो धीरे से वेंग को दीवार के सहारे पुश करता है और उसके नज़दीक जाकर वो वेंग के लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी अपने एक हाथ से वेंग के लोअर बॉडी पार्ट को रब कर रहा होता है। वेंग मौन करने लगा था। तभी वांग जी वेंग की नेक को सेडक्टिवली किस करता है और फिर वहाँ पर बाइट कर लेता है। वेंग दर्द को भी इंजॉय करने लगा था। वांग जी वेंग के कान के पास जाकर विस्फर करते हुए कहता है, वेंग तुम बहुत सेक्सी हो। वेंग के फेरोमोन्स वांग जी को पागल सा कर रहे थे। वांग जी अपनी टंग से वेंग के चेस्ट को, उसके स्टमक को लिक करता है। इस सब की वजह से वेंग का लोअर बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो चुका था। तभी वांग जी नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है। वेंग ये देखकर चौंक जाता है और कहता है, वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो। ये सुनकर वांग जी हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, मैं अपने ओमेगा को प्लेजर फील करवाना चाहता हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो वेंग। ये कहते ही वो वेंग के उस लोअर बॉडी पार्ट को अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है। वेंग तो पागल सा हो गया था, उसकी सांसें बहुत हैवी हो गई थी और वो मौन कर रहा था। वांग जी के माउथ के मूवमेंट्स बहुत फास्ट हो गए थे। तभी वेंग कहता है, वांग जी मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज़ लव मी। क्योंकि अगर वेंग वांग जी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है और वो वांग जी के लिप्स को पैशनेटली किस करने लगता है। किस करते करते वो दोनों बेडरूम में पहुंच जाते हैं। एसी फुल पर था, पर दोनों के शरीर पसीने से भरे हुए थे। वांग जी वेंग को आहिस्ता से बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आकर वेंग के लिप्स को पैशनेटली किस करने लगता है। वो अपनी टंग से वेंग की पूरी बॉडी को लिक करता जा रहा था। वेंग के फेरोमोन्स रूम में चारों तरफ फैले हुए थे। वांग जी वेंग के लेग्स को स्प्रेड करता है और अपना लोअर बॉडी पार्ट वेंग के साथ रब करने लगता है। उन दोनों की बॉडी बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो चुकी थी और ख़ासकर उनका वो लोअर बॉडी पार्ट। वेंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर तभी वो अपनी आंखें ओपन कर लेता है, क्योंकि वो वांग जी को खुद को प्यार करते हुए देखना चाहता था। वांग जी धीरे धीरे अपना लोअर बॉडी पार्ट वेंग में इंसर्ट करने लगता है। वेंग आज दर्द में नहीं बल्कि प्लेजर में मौन कर रहा था। वो वांग जी को अपने ऊपर खींचता है और उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। उन दोनों की टंग एक दूसरे से इंटरवाइन हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे को सेडक्टिवली किस कर रहे थे, लिक कर रहे थे। पूरी बॉडी दोनों की वेट हो चुकी थी।
वांग जी ने अपने बॉडी मूवमेंट्स को बहुत तेज़ कर दिया था। वेंग को बहुत अच्छा फील हो रहा था, वो मौन कर रहा था। उसे मौन करते हुए देखकर वांग जी पागल सा हो गया था। वेंग वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, वांग जी तुम मेरे पहले और आखिरी अल्फा हो, मैं तुम्हारा पूरी तरह से हो जाना चाहता हूँ, प्लीज़ वांग जी। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद अब वेंग पूरी तरह से उसको अपना चुका था। वांग जी वेंग के लिप्स पर किस करता जा रहा था और अपने लोअर पार्ट को वेंग में इंसर्ट करता जा रहा था। वेंग मौन कर रहा था, उसकी सांसें हैवी हो गई थी और वो अपने लिप्स को अपने टीथ से बाइट करता जा रहा था। वांग जी वेंग के लिप्स को बहुत ज़्यादा किस कर रहा था, सक कर रहा था, लिक कर रहा था, बाइट कर रहा था। काफ़ी देर तक लव मेकिंग करते करते वांग जी वेंग में अपना रिलीज कर देता है। दोनों ही बुरी तरह से थके हुए थे। वेंग की बॉडी पर ना जाने कितने ही लव बाइट के मार्क्स थे और वांग जी की पीठ पर नाखूनों के स्क्रैचेस। वो दोनों बाथरोब्स पहन लेते हैं। वांग जी कहता है, वेंग एक मिनट रुको। वेंग समझ नहीं पाता। वांग जी जल्दी से जाता है और फ्रिज से केक निकाल कर लाता है। वेंग चौंक जाता है और कहता है, वांग जी ये सब तुमने कब किया? तभी वांग जी कैंडल को जलाता है और कहता है, वेंग केक कट करो। वेंग की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो वांग जी के गले से लग जाता है और फिर वो केक कट करता है। ये बर्थडे वेंग के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बन गया था और इसको स्पेशल बनाने वाला था उसका अल्फा लान वांग जी। केक कट होने के बाद वांग जी कहता है, वेंग अपनी आँखें बंद करो। वेंग कहता है, वांग जी क्या अभी भी कोई सरप्राइज़ बाकी है? तो वांग जी कहता है, प्लीज़ वेंग अपनी आँखें बंद करो ना। वेंग कहता है, अच्छा ठीक है ठीक है। वो मन ही मन सोचता है, पता नहीं आज मुझे कितने सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। तभी वांग जी कहता है, वेंग अपनी आँखें खोलो। वेंग जब अपनी आँखें ओपन करता है तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी उसके सामने पेयर ऑफ रिंग्स लेकर उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। वेंग अब अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाता है और रोने लगता है। ये देखकर वांग जी घबरा जाता है और कहता है, क्या हुआ वेंग? तो वेंग कुछ कहता नहीं, बस वांग जी के गले से लगकर रोने लगता है। वो कहता है, वांग जी मैं कितना लकी होना जो मुझे तुम मिले हो, तुमने मुझे। तभी वांग जी वेंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, वेंग क्या तुम मुझे भी रुलाओगे? फिर वो उस रिंग को वेंग के हाथ में पहनाते हुए कहता है, आज से वेंग मेरी वाइफ है। फिर वेंग भी वांग जी को वो रिंग पहनाते हुए कहता है, आज से लान वांग जी मेरा हस्बैंड है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इस तरह से वांग जी ने वेंग के बर्थडे को बहुत ही स्पेशल बनाया था और उसे प्रपोज भी किया था। उम्मीद है दोस्तों आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।